बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया अपने गानों के चलते खूब चर्चा में रहते नजर आते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक भी दिया है। हिमेश ने हाल ही में म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन को एमएक्स प्लेयर टाइम्स ऑफ म्यूजिक के साथ हाथ मिलाया है और वे अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बन चुके हैं। वहीं एक इंटरव्यू में हिमेश ने इस लॉकडाउन के जरिए क्या किया है उसका खुलासा खुद किया। उन्होंने बताया कि मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 700 सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, जिनमें से लॉकडाउन में ही मैंने 300 नए गाने तैयार किए हैं। इस प्रोजेक्ट ने मुझे नए कंपोजिशन तैयार करने की प्रेरणा दी है। मैं जल्द ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के लिए पूरी तरह से गेम को बदल कर रख देगा। आज के दौर के हिसाब से अगर बात की जाए तो आज के दौर के हिसाब में कई शानदार मेलोडी भी आपको सुनने को मिलेंगी। लोग जल्द ही मुझसे कुछ खूबसूरत मेलोडी भी सुनेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंडस्ट्री के बाकी आर्टिस्ट से भी ऐसा ही सुनने को मिलेगा। फ्री म्यूजिक की अगर बात करें तो फ्री म्यूजिक के बारे में हिमेश का कहना है कि पूरी दुनिया की तुलना में भारत में म्यूजिक को लेकर कई प्रकार के नियम हैं। यहाँ गानों पर फिल्मी वर्चस्व है, लेकिन फ्री म्यूजिक इससे निजात पालेगा। अपने गानों को रेलिवेंसी को लेकर हिमेश ने कहा कि वे हमेशा से रेलिवेंट गाने बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ओढ़ली चुनरिया, निकम्मा किया, जस्ट चिल, मोहब्बत है, मिर्ची या तेरे नाम हो, ये पूरी तरह से भारतीय और राग पर आधारित हैं। आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड में सलमान खान की कई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया और टीवी पर बतौर जज भी नजर आ चुके हैं। बीते दिनों हिमेश ने हैप्पी हार्डी एंड हीर नाम की फिल्म में वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में उनके गाने किस तरह से पब्लिक में धमाल मचाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।